अस्सलामुअलैकुम। आतिफ बंगश अपनी 30th एपिसोड के साथ, और सिलसिला वही हमारा जो चल रहा है, BM एक सीरीज़ गूगल सर्चिंग के हवाले से कर रहे हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह हम इस सर्च टूल, जो सर्चिंग टूल है गूगल, इसको किस तरह मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, और इससे किस तरीके से हम अपनी रिसर्च में और इसमें मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकते हैं। इसमें हम लोग आमतौर पर इसको यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता जो हम इससे इसमें इस्तेमाल कर अपने जो सर्चेज हैं उनको और रिफाइन कर सकते हैं। तो पिछली 3 जो एपिसोड्स थी उनमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और इसी तरीके से अब हम आगे चल रहे हैं। आज हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं, दैट इज़ इमेज सर्चिंग, और इमेज सर्चिंग में गूगल कमाल है और बहुत इंटेलिजेंट है, और इन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो AI बेस्ड सर्चिंग कर दी है। इसकी इमेज रिकग्नाइजेशन और जो फेचिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत एक्यूरेट है। यही चीज़ हम आपको आज दिखाएंगे इसमें कि किस तरीके से आप इमेज सर्चिंग कर सकते हैं गूगल की मदद से। तो देर नहीं करते तो चलते हैं, चलें देखते हैं। ये स्क्रीन गूगल की हमारे पास आ गई। अभी सबसे पहले ये कि हमें इसमें इमेज मोड में जाना है। इमेज मोड में आ गया, उसके बाद हम कुछ भी सर्च करते हैं, लाइक पाकिस्तान, और ये हमारे पास इमेजेस आ गई। अब हमने देखना है कि इमेजेस में हमारे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। अब उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे इमेजेस यहाँ पर सिलेक्ट है, अब हम उसके मज़ीद टूल्स में जाएंगे तो हमारे पास एक नीचे ड्रॉप डाउन होगी, एक इसका फर्दर जो फर्दर मेन्यू है वो हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है। पहली चीज़ इसमें यह है कि साइज ऑफ, अगर आप किसी कोई बड़ा या छोटा या डिमेंशंस के हिसाब से या पिक्सल्स के हिसाब से हम बात करें कि ग्राफिक आपको किस साइज़ का चाहिए, और तो यहाँ से आप उसको बताते हैं। जैसे साइज़ में जब हम ड्रॉप डाउन करेंगे तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एनी साइज़ हुआ हुआ है, लेकिन हम अगर हम देखने जाते हैं सिर्फ लार्ज जो बड़े साइज़ की इमेजेस हैं वो ही सिर्फ हमें दिखाई दें तो फिर हम लार्ज सेलेक्ट करते हैं। अब आप देखेंगे कि जो भी पिक्चर हमारे पास आ रही है ऐसे ही है, आप देखेंगे कि वो उसका साइज़ यहाँ से चेक करें 1200x800 और इस तरह 1300x700 और जो भी आप चेक कर रहे हैं अपनी इमेज सर्च कर रहे हैं वो बड़े साइज़ की आना शुरू हो गई। अब इसके बाद अगर हम मीडियम कर देंगे इसको, और मीडियम जब हम करेंगे तो हमारे पास जो इमेजेस आएंगी, जैसे कि ये है, तो आप देखेंगे कि हमारे पास 900x600 एक दरमियाने साइज़ की इमेजेस खुलना शुरू हो जाएंगे, जो ज़्यादा ना बड़ी होंगी और ना छोटी होंगी। इसी तरह अगर हम सिंपल सिर्फ आइकॉन्स कर दें, आइकॉन होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे वेबसाइट के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, छोटे छोटे आइकॉन्स देखें। अब जब हमने आइकॉन्स किया तो हमारे पास वो पिक्चर्स आ रही हैं जो कि आइकॉनिक हैं। सिंपल आप किसी अपने डॉक्यूमेंट में या किसी अपने एप्लीकेशन वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो छोटे साइज़ की, जैसे मैं इसमें यहाँ किसी को खोलता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो हैं ये 256x256 जो स्टैंडर्ड साइज़ है वही आपको नज़र आएगा सारा।
ठीक है, सब 256 बाय 256 पिक्सल्स के हिसाब से आपको नज़र आने शुरू हो गए। तो ये यहाँ से हम साइज़ को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो कलर है। अब मैं यहाँ पर टी शर्ट्स को सर्च करता हूँ, लेट से अब ये टी शर्ट्स हैं। अब मैं टी शर्ट किसी ख़ास कलर की चाह रहा हूँ, तो यहाँ से हम फिर जब इसके टूल्स में जाएंगे और मुझे सिर्फ ग्रीन कलर की टी शर्ट्स चाहिए, तो फिर वो जो गूगल है वो मुझे सिर्फ ग्रीन या उससे मिलता जुलता जो शेड है उससे रिलेटेड इमेजेस ला के देगा। और अगर मैं कहूँगा उनको गूगल को स्पीड रेड कलर की, तो आप देखेंगे कि वो इमेजेस जिनमें रेड ज़्यादा होगा वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरह अपनी सर्च को कोई ख़ास कलर भी दे सकते हैं। इसके बाद जो सेक्शन आ रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो यानी कि वो है यूज़र राइट्स। हम पाकिस्तान में या अपने जो हमारा इंडिया पाकिस्तान और इसमें जो कॉपीराइट्स हैं इमेजेस के हवाले से, वो उनका जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम बड़े आराम से वेबसाइट से, कोई भी किसी भी वेबसाइट से इमेजेस लेके अपने किसी भी पब्लिकेशन में भी इस्तेमाल कर लेते हैं या अपने ऑनलाइन वेबसाइट्स में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कोई इतना कोई मसला क्रिएट नहीं होता। लेकिन यहाँ वेस्ट में बाहर अमेरिका, यूके और इन मालिक में आप किसी कोई इमेजेस इतने फ्रीली इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो और करना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ इसमें गूगल ने ये फैसिलिटी आपको दी हुई है कि आप चेक कर सकें कि यूज़ कौन सी ऐसी इमेजेस जो आप सर्च कर रहे हैं उसमें क्या राइट्स अवेलेबल हैं। अब इसमें कई किस्म के राइट्स होते हैं, जैसे कि आप देखें कि अगर तो आपने बगैर किसी फिल्टर के, यानी एनी आपने कोई उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ कि मुझे इस यूज़र राइट्स के इमेजेस दिखाओ, तो वो दिखा देगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है लेबल फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन, लेबल फॉर रीयूज, लेबल फॉर नॉन कमर्शियल रीयूज और मॉडिफिकेशन, और लेबल फॉर नॉन कमर्शियल रीयूज। अब देखें कि आपके पास सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप कोई ऐसा इमेज ढूंढ रहे हैं जिसको आप मॉडिफाई भी कर सकें और रीयूज भी कर सकें, तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास जो है ये फिल्टर ऑन हो गया, और अब ये जो टी शर्ट्स की हमारे पास सैम्पल्स आ रहे हैं, इमेजेस आ रहे हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम सिंपल लेबल फॉर रीयूज करेंगे, तब भी हमारे पास देखें कि वो इमेजेस आ जाएंगे जो हम रीयूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लेबल फॉर नॉन कमर्शियल यूज़ करेंगे, तब भी हमारे पास इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारी आप जब अपनी वेबसाइट्स के लिए या अपने पब्लिकेशंस के लिए इस्तेमाल कोई भी इमेजेस ढूंढेंगे, तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा कि बहुत सारी ऐसी इमेजेस हैं जो कि वैनिश हो जाएंगी आप जैसे ही कोई यूज़बिलिटी इसमें डालेंगे। तो यहाँ से ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं कि कौन सी इमेज आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप। टाइप में इमेजेस के कई फॉर्मेट होते हैं, जो नॉर्मल जेपैग्स होती हैं, पीएनजीज होती हैं, जीआईएफ होती हैं, जेपैग्स होती हैं, और भी टिफ हैं, बहुत सारे इमेजेस के फॉर्मेट्स होते हैं, उन सबको एनी टाइप में आप ये कंसीडर करता है। उसके अलावा कुछ ख़ास तरह की इमेजेस होती हैं, जैसे कि क्लिप आर्ट्स हैं। क्लिप आर्ट्स वो होते हैं जो ऐसे इमेजेस जो कि ड्रॉ हुए हुए हों, जो ड्रॉ किए हुए हों किसी सॉफ्टवेयर की मदद से या किसी मैनुअली किसी पेन पेंसिल से, वेक्टर इमेजेस भी जिनको कहा जाता है किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, और वो रीयूजेबल हों, आप अपना यूज़ कर सकें उनको अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो उनको क्लिप आर्ट्स कहते हैं। जैसे कि अभी मैं अगर इसी टी शर्ट्स के हवाले से क्लिप आर्ट्स को सिलेक्ट करूँगा, तो आप देखेंगे कि इसमें रियल इमेजेस
खत्म हो जाएंगे, जो रियल इमेजेस थे। ये तो स्पॉन्सर है ना, इनको आप ना रहने दीजिए, जो यहाँ से सर्च शुरू हुई इस जगह से गए। अब देखें आपके पास सारे के सारे जो इमेजेस आ रहे हैं वो ड्रॉ हुए हैं, वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ड्रॉ हुए हैं, आप जितने भी देखेंगे। तो ये क्लिप आर्ट्स हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि आउटलाइन इमेजेस आ जाएं, जो ड्रॉ के साथ जिनको हम लाइन ड्राइंग कहते हैं। अब आप देखेंगे कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे हम हॉर्स लिख देते हैं। अच्छा, यहां से हम जाए इसको नो फिल्टर कर दें। अब ये देखें कि हमारे पास जो इमेजेस आ रहे हैं, इसको रेड को भी एनी कलर कर देते हैं कुछ बेहतर। दिस इज व्हाट आई नीड, के हॉर्स के लिए हमें अब ऐसे इमेजेस नज़र आना शुरू हो गए हैं जो कि जिनकी आउटलाइन ड्रॉ हुई हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की ऑप्शन यहाँ से इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, अगर हम क्लिप आर्ट करते हैं तो उसमें भी डिज़ाइंड आ जाएंगे, क्रिएटेड इमेजेस आ जाएंगे, लेकिन वो किसी भी कलर कलर फील्ड भी हो सकते हैं। लेकिन हम जैसे ही लाइन ड्रॉ में जाएंगे तो सिर्फ आउटलाइन इमेजेस हमारे पास नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई दफ़ा हमें डिज़ाइनर्स को ख़ास तौर पे इस किस्म के इमेजेस की बड़ी ज़रूरत होती है। उसके बाद जो चीज़ है हमारे पास वो GIF इमेज। GIF इमेजेस में देखें, ये जो इमेज है ये एनिमेटेड भी हो सकता है। हम बहुत सारे जो वेब डिज़ाइनर्स हैं या पावर पॉइंट में जब हम प्रेजेंटेशंस वगैरह डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारे कुछ कुछ इमेजेस ऐसे चाहिए होते हैं जो कोई ना कोई एनिमेट कर रहे हों, हरकत कर रहे हों। तो वो जो ये ग्राफिकल इंटरचेंज फाइल होती है GIF, ये एनिमेटेड भी हो सकती है, स्टिल भी हो सकती है। तो जब हम इसको हम जिफ करते हैं तो आपके पास, और ये साइज़ में बहुत लो होती है, इसका साइज़ जो फाइल साइज़ है वो बहुत थोड़ा सा होता है। तो इस वजह से ये, वैसे तो एनिमेशंस अगर आप वेबसाइट पे यूज़ करें तो वो बहुत लोड डाल देगी आपकी वेबसाइट पे। तो को हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज रखें लोडिंग पीरियड के लिए, लोडिंग जो पेज है ईजीली लोड हो, या इसलिए तो पावर पॉइंट में भी लोडिंग का इशू हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी इमेजेस या एनिमेशंस या वीडियोस डाल देंगे तो उसका लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन GIF जो है वो फाइल बहुत स्लो, बहुत कम कैपेसिटी की होती है। अब इसमें हम देखें कि जैसे हम ये लिया, चेक करते हैं कि ये एनिमेटेड है या नहीं है। ये एनिमेटेड नहीं है, वो हो गया तो एनिमेटेड है। देखा आपने ये चीज़। अब आप देखेंगे कि कोई भी इमेज आप लेंगे तो वो, जैसे हम ये ले रहे हैं तो ये देखें आप, ये तमाम अगर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए ऐसे इमेजेस ढूंढ रहे हैं जो आपने पावर पॉइंट में या वेबसाइट में इस्तेमाल करने हैं जो कि एनिमेट होते हो, तो आप GIF ग्राफिक्स को सर्च करेंगे तो आपको बहुत आराम से कोई भी एनिमेटेड इमेजेस मिल जाएंगे, और जो बहुत कम आपके जो मेमोरी है उस पर लोड डालेंगे। तो ये चीज़ आपके पास होगी। उसके बाद वही चीज़ है टाइम बेस्ड, अगर आप ऐसे इमेजेस जो बिल्कुल रिसेंटली अपलोड हुए हैं या वीक पहले या मंथ पहले या पास्ट ईयर इमेजेस को आप तलाश कर रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ से। और यहाँ से आप अपनी तमाम जो इमेजेस की जो जितने भी फिल्टर्स आपने लगाए हैं, साइज, कलर, यूज़र राइट्स, टाइप एंड टाइम, उसको आप क्लियर कर देते हैं। तो ये चीज़ आपने देखी कि ये हमारे पास टूल बार मौजूद है इसकी ग्राफिक्स को सर्च करने के लिए और मज़ीद रिफाइन करने के लिए अपनी इमेज सर्च को। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको इमेज सर्च, इमेज टाइप है उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है।
बाज़ दफ़ा हमें ऐसी इमेजेस चाहिए होती हैं जिनकी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो, ताकि वो किसी भी बैकग्राउंड के साथ मैच कर जाएं या उसमें एडजस्ट हो सकें। तो वो भी हम उनको, वो PNG फाइल्स होती हैं जो, अब अगर आपने जैसे अब इसी को हम ले लेते हैं कि हॉर्सेस की कोई ऐसी पिक्चर आप लेना चाहते हो जिसकी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो, तो आप बस उसके आगे कीबोर्ड के आगे PNG ट्रांसपेरेंट लिख दें। अब आप देखें कि आपके पास जितने भी हॉर्सेस की पिक्चर्स आई हैं वो या तो वाइट बैकग्राउंड के साथ आ रही हैं, जिनको जो वाइट बैकग्राउंड को हटाना इजी है किसी भी ग्राफिकल टूल के साथ, अडोब या और जो कोरल ड्रॉ वगैरह है उनके, उसके थ्रू आप इसकी वो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसमें किसी को क्लिक करेंगे तो अगर ये बैक साइड जो है इसकी सॉलिड रहती है, तो इसका मतलब ये वाइट बैकग्राउंड इसका सॉलिड है। और अगर आप कोई और लेते हैं और अब इसमें आपको ये दाने दाने और ये चेक नज़र आना शुरू हो गए, दैट मीन कि ये जो इमेज है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है पहले से ही, बस इसको डाउनलोड कीजिए और अपने किसी भी बैकग्राउंड के आगे आप इसको लगा सकते हैं। तो ये PNG फाइल्स का मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे, कि कोई कभी डिज़ाइनर्स को और वेबसाइट डिज़ाइनर्स को भी, या कोई भी आप अपने डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें आपको कोई वाइट बैकग्राउंड या ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ इमेजेस चाहिए, तो PNG जो फाइल फॉर्मेट होता है उसको सर्च कीजिए और उसमें आपको कोई ना कोई अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, गूगल की इमेज सर्चिंग बड़ी इंटेलिजेंट हो चुकी है। और ये आप अगर इसको कोई एक इमेज देते हैं तो वो उस इमेज से सिमिलर इमेजेस भी सर्च करके ले आते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इसमें, यानी कि ये इमेज रिकग्नाइजेशन जो इसकी है वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट हो चुकी है। इसका भी हम डेमो देखते हैं। तो इसको सबसे पहले आपने यहाँ पे जो, सॉरी, यहाँ पे हमें इमेज पर ले आएंगे। अब जैसे अब ये जो इस वक्त ये सर्च बार है ये इमेज को लेने के लिए तैयार है। तो अब हम लेट से इसको हम यहाँ पर मैंने लेट से एक एग्जांपल के तौर पर कायद अजम की एक जिना कैप में पिक्चर को मैं ग्रैब कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर गूगल में ड्रॉप इन कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही इसको ड्रॉप इन किया, अब ये उससे सिमिलर इमेजेस जिना की, कायद अजम की ढूँढ रहा है। और ये देखें कि उसने मैक्सिमम चीज़ों को मैच करने की कोशिश की। अगर हम इमेजेस में चले जाएं तो आप देखेंगे कि जो इमेज मैंने इनको दी थी वो मैक्सिमम उसने जिना कैप को मैच करने की कोशिश की है, और जिना कैप जहाँ जहाँ उसको मिली है वहाँ वो ले आया है। अब इसी तरीके से अगर हम लेट से जिना की कारिज्म की कोई यंग पिक्चर हम लेके आ रहे हैं अभी यहाँ पे, अगर हम यंग पिक्चर यहाँ ड्रॉप इन की, तो अब देखिए कि अब उन्होंने कदरे, देखें गूगल ने अब कादिज़म की जो यंग पिक्चर्स थी उनको ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की है और वो यहाँ पर ले आया। तो इसी तरीके से ये हम अपनी बहुत सारी चीज़ें जो एक इमेज है उससे सिमिलर इमेजेस को ढूंढ सकते हैं इसी तरीके से। अब इसमें हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं उन चीज़ उसका जिक्र करता हूँ, जैसे बहुत सारे डिज़ाइनर्स को कोई एक शेप चाहिए होती है या कोई एक चीज़ चाहिए होती है, तो वो या इंजीनियर्स को कोई एक ख़ास पुर्जा चाहिए होता है, कोई गियर चाहिए होता है, तो हम उसमें देखते हैं उनकी कोई चीज़, कोई अगर कोई शेप डालते हैं जैसे ये है। तो ये मैंने जब इस पे ड्रॉप इन किया तब आप देखें गूगल उस गियर से मिलती जुलती इमेजेस को ढूंढने की कोशिश करेगा। और ये देखें हमने उसको ये सोर्स दिया था और ये देखें कि
से उसने उससे मिलते जुलते ये इंजीनियर्स को और ग्राफिक डिज़ाइनर्स को और जो भी लोग जो ऑटो कैड वगैरह पे यूज़ करते हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि उनको अगर वो कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, सैम्पल ढूंढ रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो इस गूगल की मदद से अगर उसको वो शेप भी दे देंगे, अगर उनके पास कोई फिज़िकल चीज़ है उसकी पिक्चर खींचें और गूगल में डाल दें, तो वो उससे मिलते जुलती इमेजेस उनको ज़रूर ला कर देगा कुछ ना कुछ। इसी तरीके से हम एक और भी इसको वाज़े करने के लिए, लेट्स से कि हम अब ये एक कार की तस्वीर में इसमें डाल रहा हूँ, ब्लू कार है, अब मैंने ब्लू कार इसमें डाली, तो अब ये देखें कि ये देखें ये सोर्स थी और आप एग्जैक्टली वही मॉडल और वही सब कुछ वो उठाकर ले आया। हम देखा कि उसने किस हद तक मैचिंग कर ली है एक इमेज को देखते हुए कि यूज़र जो है वो क्या चीज़ मांग रहा है। तो ये थी इमेज सर्चिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता लगी होंगी, या अगर आप मज़ीद इमेजेस के हवाले से भी कुछ और चीज़ जानते हैं सर्चिंग में, तो वो नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें, ताकि जो तो ये था हमारा आज का इमेज सर्चिंग के हवाले से एक एपिसोड, और इसमें मैंने मैक्सिमम इमेज के हवाले से जो सर्चिंग की टेक्निक्स और टूल्स मौजूद हैं गूगल के अंदर वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपको इससे आगे इससे ज़्यादा कुछ और इमेज सर्चिंग की टेक्निक्स पता हैं तो वो ज़रूर शेयर करें नीचे कमेंट्स में। और ये गूगल सर्चिंग की जो सीरीज़ है ये कैसी जा रही है इसके बारे में भी बताएं, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके अपना शेयर करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है या आपके प्रोफेशन में ये कितनी हेल्प करेगी आगे आने वाले वक्त में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग माई दिस एपिसोड, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।